स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 24 है, पी इज इक्वल टू 10Q और 1 + 10Q। तो यहाँ पर देखें पी ओवर क्यू वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, देखें नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ और ऊपर वाली का स्क्वायर डेरिवेटिव, तो 10Q का डेरिवेटिव sin क्यू स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर क्यू। तो ये देखें 10 क्यू का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर क्यू। इस तरह यहाँ पर भी देखें हमने 10Q का स्क्वायर लिया गया था सीकेंट स्क्वायर क्यू और डिवाइड करते हैं हम नीचे वाली पूरी रकम के स्क्वायर के साथ। तो सॉल्व किया तो ये देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा सीकेंड क्यू स्केयर और इस तरह प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 10Q सीकेंड स्केयर क्यू। इस तरह ये माइनस और ये देखें ये भी बन रहा है 10Q सीकेंड स्केयर क्यू ओवर 1 + 10Q स्केयर। तो यहाँ पर देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, ये आपस में कट जाते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास इसका सीकेंड स्केयर क्यू ओवर 1 + 10Q का होल स्केयर।